हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई किचन से। हमने सुबह सुबह उठ के देखे, मैं इधर चावल चढ़ाऊंगा, मेरे हस्बैंड ने रोटी बना दी। रोटी मैंने पहले ही बना दी थी। तो आज है रिपब्लिक डे, तो आप सभी को हमारे ओर से गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह के करीब 10 बजे, 6:30 हो गए और मेरा खाना सब तैयार हो गया है। तो अभी जल्दी जल्दी तैयार करके नहा धा के तैयार होने के लिए फिर चलेंगे स्कूल। फिर आगे हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहेंगे। हम हमारे गांव में कैसे रिपब्लिक डे मनाते हैं सबको दिखाते होंगे, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। आज सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है दोस्तों। देखिए, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और मौसम काफ़ी सुहाना है। और ये देखिए, स्कूल हमारे घर के सामने पे ही है और यहीं पर आज स्कूल में प्रोग्राम होगा, तो हम कुछ देर में देखने जाएंगे। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू हो जाएगा तब चलेंगे हम भी देखने। तो इसी के साथ आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हमारे साथ साथ हम आपको भी दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर के चूल्हे पे मेरी सासू माँ ने यहाँ देखिए पानी चढ़ा दिए हैं बड़े से पतीले पे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा है तो ठंडे पानी से नहाना मुमकिन नहीं है सुबह सुबह, इसलिए बड़े से यहाँ पतीले पे पानी चढ़ा दिए हैं। जब भी पानी गर्म हो जाएगा तब हम नहाएंगे। तो चलिए जी, हमारा सुबह का खाना भी तैयार हो गया। हस्बैंड जी तो खाने लग गए हैं, अब मेरे लिए भी ले आई हूँ मैं। आज के खाने पे है चावल और ये सेम और आलू की सब्जी, उसके साथ रोटी। तो चलिए जी, अभी सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और हमारा सुबह का नाश्ता भी हो गया है। और देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन करके, और अभी चलते हैं स्कूल में, देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं बच्चे लोग, स्कूली बच्चे लोग। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, वो हमारे साथ साथ हम आपको भी दिखाएंगे। तो अपने तो चलिए जी, हम लोग स्कूल के मैदान में पहुँच चुके हैं और यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है और हमारे गांव घर के सभी लोग आने लग गए हैं और स्कूली बच्चे लोग भी देखिए यहाँ व्यवस्थित रूप से खड़े हो गए हैं और अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो चलिए जी, अभी ध्वजारोहण भी अभी हो गया है, तो अभी स्कूली बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे हैं, अभी बैठ करके सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद लेते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए, हमारे गांव के सभी लोग अभी आने लग गए हैं, अभी मतलब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है धीरे धीरे। तो अभी देखिए जी, हमारे गांव के सरपंच महोदय का स्वागत किया जा रहा है फूल गुच्छे, और इसी के साथ हमारे गांव के सभी मतलब सज्जन लोग बैठे हैं, सामान्य लोग जो भी हैं, उनको सभी को फूल गुच्छे से स्वागत किया जा रहा है। दिग्गज नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शहीद 284 सदस्यों की एक समिति गठित किया जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। इस संविधान
अरे अरे वीडियो बना तो है नहीं देखियो डबल टेबल चीज देखियो पकड़ा के अरे चलो अभी कुछ ना चलो